वेलकम एवरी वन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेवेंथ सम. ठीक है, जो सेवेंथ सम है, अगेन छः सम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेवेंथ सम, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ सी क्या दिया है, ये बताता हूँ. प्रतीक टेक 8 hours टू ट्रैवल 36 kilometers डाउन स्ट्रीम. ओके, तो सबसे पहले तो ये समझना है, दो वर्ड दिया है हमारे पास, एक है डाउन स्ट्रीम, ओके, एंड दूसरा है अपस्ट्रीम. बराबर है. सो वी ऑल नो अबाउट रिवर, राइट. जो भी रिवर होता है, ठीक है, उसके पास सर्टन क्या होता है, फ्लो होता है. बराबर, सही है. और मान लीजिए अगर एक बोट है अपने पास, बराबर है, ठीक है. नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर जो भी फ्लो है रिवर का वो ये साइड में है, ठीक है, और जो भी बोट भी जा रहा है अपना फ्लो के साथ जा रहा है, राइट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, पता है, द बोट इज गोइंग विद द फ्लो. ठीक है, तो जब फ्लो के साथ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम विद द फ्लो. बराबर है. जब कभी भी जिधर पानी का बहाव है उसी साइड पे क्या जा रहा है, बोट जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम. ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अगेंस्ट द फ्लो. ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो, राइट. जैसे अभी मान लो जो भी बोट है वो इधर जा रहा है, बट जो अपना ये है रिवर करंट है, ठीक है, वो किधर है, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ गोइंग अपस्ट्रीम. ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं. प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 kilometers डाउन स्ट्रीम. ठीक है, तो 36 kilometers डाउन स्ट्रीम याद रखना, 36 kilometers डाउन स्ट्रीम. बराबर. अच्छा, और क्या बोला है, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. ठीक है, अच्छा, अभी 36 kilometers डाउन स्ट्रीम गया, उसके बाद से क्या हुआ, वो रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मीन्स अगेन हम लोग बोल सकते हैं 36 kilometers अपस्ट्रीम भी आना पड़ा उसको. बराबर है. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या था, विद द फ्लो, राइट, और अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द फ्लो, ये याद रखना. अच्छा, अभी एक चीज़ और, इसमें हमको एक फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला कौन सा होता है, स्पीड वाला. ठीक है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वी ऑल नो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट है. बट हमको क्या दिया है, प्रतीक टेक 8 hours, राइट, तो 8 hours क्या है, अपना टाइम है, तो टाइम के लिए जो फार्मूला बनेगा वो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड उधर. ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बराबर, टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फार्मूला को चेंज कर दिया है ऐसे, तो वो फार्मूला भी याद रखना है. ठीक है, और क्या करना है, अभी देखो हमको क्या करना है, फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. बराबर है. अच्छा, एक और चीज़ दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 kilometers per hour. ठीक है, जब अगर पानी एकदम रुका हुआ है, स्टिल है, तो बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 12 kilometers per hour. अभी देखो, सबसे पहले मैंने बोल दिया लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स किलोमीटर्स पर आर. ठीक है, जो भी वाटर करंट का स्पीड है ये क्या बोल दिया है मैंने, एक्स किलोमीटर्स पर आर. बराबर है. अच्छा, दूसरी चीज़, अभी देखो जब भी बोट किधर जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा, जो फिर सबसे पहले बोल सकते हैं डाउनस्ट्रीम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, डाउनस्ट्रीम. ठीक है, तो जब कोई भी बोट किधर जाएगा, डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड जो होगा बोट का वो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम मींस विथ द फ्लो. ठीक है, जब कोई भी फ्लो के साथ जाएगा तो बोट का जो स्पीड है और जो वाटर का स्पीड है दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं. रिवर तो फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर बोट भी तो जा रहा है विद सम स्पीड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब दोनों जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा. ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब अपस्ट्रीम, तो बोट का स्पीड ज़्यादा है और रिवर करंट का स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो बोट के स्पीड में से रिवर करंट को माइनस करना है. ठीक है, तो हम लोग ने क्या, एक हम लोग ने ये कंडीशन बना लिया, एक क्या कंडीशन बना लिया, जब कभी भी डाउन स्ट्रीम जाएंगे, क्या जाएगा, डाउन स्ट्रीम, तो जो स्पीड होगा क्या, डाउन स्ट्रीम जब कभी भी जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड प्लस वाटर करंट का स्पीड. बराबर है. अपस्ट्रीम जब कभी भी जाएगा तो बोट का स्पीड माइनस वाटर करंट, या फिर रिवर करंट बोल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अभी इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड
या फिर ऐसे बोल सकते हैं टाइम टेकन, बराबर है, टाइम टेकन बाय प्रतीक, ठीक है, टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स, टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, बराबर है ना। 36 किलोमीटर तो वो क्या गया था, डाउन स्ट्रीम गया था, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो क्या हो जाएगा, देखो टाइम का जो फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। अच्छा अभी यहीं से मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो बोट का स्पीड था, ठीक है, वो क्या था, 12 किलोमीटर था, 12 किलोमीटर पर आर, और जो वाटर करंट का स्पीड क्या था, ये x था, मतलब ये क्या हो गया 12 प्लस x, राइट। जब कभी भी वो डाउन स्ट्रीम गया तो क्या हो गया 12 प्लस x किलोमीटर्स पर आर, सिंपल है, ठीक है। दूसरा, जब कभी भी वो किसके साथ अपस्ट्रीम था तो बोट का स्पीड कितना था 12, बराबर है, और वाटर करंट का तो हमने क्या लिया है, x ले लिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 12 माइनस x, सिंपल है, ठीक है। ये इसलिए रखा क्योंकि हमको और सिंप्लीफाइड वे में जानना था उसको, बराबर। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो अभी हमारा फाइनल जो कंडीशन बनेगा, तो ये वाला फार्मूला क्या है, टाइम का जो फार्मूला है, टाइम कितना लगा था, 8 घंटे लगा था, ठीक है, काई के लिए, डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों हुआ है, तो यहाँ पर अपस्ट्रीम लिखूँगा प्लस डाउन स्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम जाने के लिए देखो क्या है, डिस्टेंस स्पीड क्या था, ये स्पीड था, ठीक है। तो स्पीड तो इधर देखो डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो गया 12 प्लस डाउन सॉरी अपस्ट्रीम के लिए क्या आएगा 12 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा 12 प्लस एक्स, बराबर है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना था, उधर फॉर्मूला में देखोगे तो डिस्टेंस ऊपर है, मतलब 36 किलोमीटर था, सिंपल है, बराबर। नाउ इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था, डाउनस्ट्रीम के बारे में बात किया है, अपस्ट्रीम के बारे में बात किया है, और कन्फ्यूजन सबसे बड़ा यही क्रिएट करता है कि अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अगेंस्ट द फ्लो, और डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो। तो जब कभी भी अगेंस्ट द फ्लो जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, और जब कभी भी विद द फ्लो जाएगा दोनों स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी देखो इसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पर 36 कॉमन है, मैंने 36 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू 8, बराबर है। अब ये देखो, ये 36 को उधर भेज दिया, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 36, 4 टूज एंड 4 नाइन्स 36, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 अपॉन 9। नाउ सी हियर, यहाँ पर क्या है, प्लस x है और माइनस x है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। अभी ये वापस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इधर 9 फोर ज़ा 36 एंड 9 टू ज़ा 18 प्लस 3 21, ओके, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 882 माइनस 2x स्क्वायर, सिंपल है ना। अभी इसको क्या करो, इसको उधर ले लो, 2x को इधर ले लेते हैं, तो 2x जैसे इधर आया, 2x स्क्वायर इधर प्लस में हो गया, बराबर 288 माइनस 216, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अभी 288 में से 216 को माइनस कर देते हैं, 288 माइनस 216
वन सिक्स, क्या बचेगा हमारे पास, एट माइनस सिक्स टू एंड सेवन बराबर, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको जो मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा हमारा, इधर लिख देता हूँ ऊपर जो भी है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। देयरफॉर अगर मैं टेकिंग आउट स्क्वायर रूट करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 6, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, स्पीड कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या, तो नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बराबर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स पर आर, ठीक है। तो जो भी वाटर करंट है, क्या फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट का जो भी स्पीड है ये क्या है, 6 किलोमीटर पर आर, ठीक है। जो भी वाटर करंट है उसका स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आर, सिंपल, बस इतना याद रखना था, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।